नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अभी पिछले दिनों राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आता हुआ दिखाई दिया था, बहुत बड़ी हलचल सी दिखाई दी थी और काफ़ी ज़्यादा सवाल मेरे पास आए थे कि सर एक बार इसके ऊपर प्रेडिक्शन कर दीजिए, एक बार इस टॉपिक के ऊपर भी कैलकुलेशन करके देखिए कि आखिर क्या निकलता है। जी हाँ, टॉपिक था यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात भी हुई थी अभी और अमित शाह जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श किसी न किसी बात पर चल रहा था, अंदर ही अंदर गहमा गहमी बहुत सारी चल रही थी एंड समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्या ये कोई नया एजेंडा है, नई टेक्निक्स है, आने वाले चुनाव के बारे में कोई प्लानिंग की जा रही है या फिर दाल में कुछ काला है। बहुत सारी मिस्ट्री यहाँ पर चल रही थी और यहीं पर इसी समय पर मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर एक बार योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पर भी विचार विमर्श करना चाहिए। तो इसीलिए आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए है, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को लेकर आखिर कैसा जाने वाला है उनका समय और आखिर कहां पर वो किस तरह से अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, क्या वो 2022 का इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, और एक और कयास लगाया जा रहा है कि क्या 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद क्या वो आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इसके ऊपर हम यहाँ पर आज बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझने की बात क्या है, सबसे पहले यहाँ पर समझने की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली क्या कहती है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जो कुंडली इंटरनेट पर अवेलेबल है मैं उस कुंडली के आधार पर कुछ कैलकुलेशंस करके आपको बता रहा हूँ अभी के समय में, हालांकि बहुत ज़्यादा डेप्थ कैलकुलेशन नहीं करूँगा बट फिर भी जो कैलकुलेशन नेट पर अवेलेबल है उसको लेकर मैं आपको चल रहा हूँ। 5 जून 1972 का चार्ट यहाँ पर इनका बनता है, 5 जून 1972 इनका बर्थ डेट है और 10:54 सुबह का समय उत्तराखंड में इनका बर्थ हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो अभी इनकी कुंडली कैसी बनती है, इनकी कुंडली अगर देखा जाए सिंह लग्न की इनकी कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली में यहाँ पर देखा जाए तो किस तरह से योग बनता है। देखिए, गुरु इनका त्रिकोण में स्वराशि यहाँ पर बैठा हुआ है, त्रिकोण में गुरु का स्वराशि बैठ जाना साथ ही साथ वक्री होके बैठ जाना ये एक बहुत बड़ा योग बनाता है। और बिल्कुल सामने अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मंगल शुक्र की युति बनी हुई है और शुक्र भी राशि परिवर्तन योग बना रखा है बुध के साथ और वो भी यहाँ पर लाभ स्थान में है। साथ ही साथ बुध शनि और सूर्य की युति, तीनों ही ग्रह बुध शनि और सूर्य ये बैठे हुए कर्म स्थान पर, यहाँ पर लग्न का लॉर्ड कर्म स्थान पर बैठ गया, बुध और शुक्र ने राशि परिवर्तन योग बना लिया, केतु यहाँ पर 12वें घर में बैठे हुए हैं और गुरु वक्री होकर त्रिकोण में बैठे हुए हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे योग हैं कुंडली में, जी हाँ देखने को लगता है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे योग हैं बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जीवन इतना आसान नहीं था, जीवन में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचे भी हैं। हालाँकि इस बीच में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने जीवन में करी भी होंगी, संन्यास जो हम देख रहे हैं कि इन्होंने लिया हुआ है वो भी हम देख पा रहे हैं, साथ ही साथ राजनीति में कदम रखना वो भी कुंडली में दिखाई दे रहा है कि राजनीति में कदम आता है इनका, और साथ ही साथ आने वाले समय में राजनीति में और ज़्यादा चरम पर जाना ये भी कहीं ना कहीं कुंडली में दिखाया हुआ है। देखिए, कुंडली में यहाँ पर सारी चीज़ें एक्यूरेट दिखाई देती हैं कि कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में योग बहुत अच्छे हैं और योग अच्छे होने के कारण ही इन्होंने अपनी कुंडली अपने जीवन में बहुत जल्दी चीज़ों को शुरू कर दिया, जी हाँ बहुत जल्दी चीज़ों को आरंभ कर दिया और बहुत जल्दी अपनी लाइफ को अपने लेवल पे स्टेबल पोजीशन पे लेके आ गए। साधना तप की तरफ इन्होंने अपने ध्यान को आकर्षित किया और साथ ही साथ अपने जीवन को उस दिशा में एक अपने जीवन का एक पड़ाव उन्होंने उस दिशा में निकाला और 26 वर्ष की आयु में इन्होंने चुनाव में प्रवेश किया और गोरखपुर से लोकसभा का ये चुनाव जीत गए थे। यहीं से इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हो गई थी और यहाँ पर देखा जाए तो अभी अगर करंट समय में देखें तो केतु की महादशा यहाँ पर चल रही है। केतु की महादशा, केतु जो बैठे हुए हैं वो 12वें घर में बैठे हुए हैं और अभी अगर गोचर में अगर हम देखें तो गोचर में जो केतु चल रहा है वो इनके 4थे घर पर चल रहा है। गोचर का केतु 4थे घर पर चल रहा है जो कि किसका हाउस है, पब्लिक का हाउस है, जो कि इनके फेम का, इनके नेम का, इनकी हैप्पीनेस का हाउस है। ऐसी कंडीशन में अगर देखें तो गोचर में, मैं बात कर रहा हूँ गोचर की, ध्यान रखिएगा शनि का जो ट्रांजिट है वो इनके कुंडली के 6ठे घर में चल रहा है
जो कि अगेन शत्रुओं में थोड़ी सी परेशानियां देता है। और गुरु का जो ट्रांसिट है वो केंद्र में सातवें घर पे चल रहा है यहाँ पर, जो कि सीधा का सीधा लग्न को देख रहा है। और अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखा जाए तो शनि की साढ़े साथी भी इनकी शुरू हो चुकी है, और शनि की साढ़े साथी का जो फर्स्ट फेज है ये इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं जा रहा। जी हाँ, अब तक शनि की साढ़े साथी का फर्स्ट फेज जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इन्हें भी देखने को मिले हैं। यहाँ पर अभी का जो समय चल रहा है दोस्तों, जिस तरह से ग्रह गोचर चल रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं अभी के समय में, इसमें इन्हें एक चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और वो जो महत्वपूर्ण चीज़ है इनको ध्यान देना है वो है इनके काम और इनकी वाणी। अभी के समय में प्रॉब्लम ज़रूर यहाँ पर बनते हुए दिखाई देती हैं, प्रॉब्लम ज़रूर यहाँ पर आते हुए दिखाई देती है, और ये जो प्रॉब्लम है ये इनकी जनवरी 2022 तक रहने वाली है। जनवरी 2022 के बाद से इनका समय धीरे धीरे चेंज होगा, बट जनवरी 2022 तक तो अभी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर। यहाँ पर इन्हें अपने वाणी पर बहुत ज़्यादा संयम रखना है, और वाणी पर संयम रख के ही सारी चीज़ों को करने की कोशिश करनी है, तो ही चीज़ें यहाँ पर अच्छी होते हुए दिखाई देंगी, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर इनकी वाणी की वजह से इनकी पार्टी के सदस्यों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी जो मीटिंग हुई थी उसके पीछे ये एक एजेंडा ज़रूर हो सकता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है ग्रहों की कैलकुलेशन के हिसाब से कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होते हुए दिखाई देती हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अभी के समय में यहाँ पर इन्हें एक चीज़ और समझनी चाहिए कि अभी के समय में ये कुछ नया करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, मतलब कि इन्होंने दिमाग में बना लिया है अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने का सिलसिला कैसे शुरू करना है, और चुनाव की तैयारियाँ यहाँ पर शुरू होने वाली है यूपी में, और यूपी वासियों को बहुत ही अच्छी कहीं ना कहीं जानकारी मिलने वाली है, बहुत ही अच्छे कुछ ऑफर्स मिलने वाले हैं। खासकर अभी आने वाले कुछ समय में ये बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ नए चीज़ें बाहर आने वाली हैं। जी हाँ, कुछ नई योजनाएं, कुछ नए अच्छी चीज़ें जिसको हम कहते हैं, वो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बाहर आने वाली हैं, तो कुछ बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पर हो सकते हैं। बट चुनौतियाँ रहेगी ही रहेगी, और आसानी से इनका रास्ता क्लियर हो जाए ऐसे चांसेस हालांकि नहीं बनते हैं। बट एक बहुत अच्छी बात है कि कुंडली बहुत पावरफुल है, इस कुंडली के टक्कर में किसी और कुंडली का आना ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अभी तक मैंने कॉम्पिटिटर्स की कुंडली का एनालिसिस नहीं किया है, ना ही मैंने ये देखा है कि 2022 में ये वाकई में चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, पर अभी जितना देखा है उसके आधार पर ये बता देता हूँ कि रास्ता इनका आसान नहीं है। और चुनाव की प्रेडिक्शन तो आप मेरी जानते ही हैं कि मैं कैसे कैलकुलेशंस करता हूँ, तो वो मैं सही समय पर आने पर ही अपनी कैलकुलेशंस बता दूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी चुनाव जीत भी पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। बट अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा कि रास्ता आसान नहीं है, रास्ता मुश्किल है, और इनकी वाणी इनको चुनाव जिता भी सकती है और इनकी वाणी इनको चुनाव हरा भी सकती है, तो इस बात का बहुत ज़्यादा आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन आ रही है, काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि सर क्या 2024 में जो इलेक्शन होंगे वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करेंगे या नहीं करेंगे। उससे पहले देखिए, एक बड़ा सवाल है हम सभी के सामने कि क्या बीजेपी आएगी भी है या नहीं आएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सवाल की कैलकुलेशन मैंने अभी नहीं करी है, सवाल की कैलकुलेशन भी मैं करूँगा कि क्या 2024 में वापस बीजेपी के आने की कैलकुलेशन बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि पहले बीजेपी आएगी उसके बाद उनके लीडर आएंगे, तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पावरफुल है, नो डाउट, और इनकी कुंडली में राजनीति में एक लंबा सफ़र तय करने के योग बने हुए हैं। ये है, बिल्कुल है कि राजनीति में एक लंबा सफ़र तय करने के योग बने हुए हैं। बट शनि की साढ़े साथी भी साथ साथ चल रही है, और शनि की साढ़े साथी को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और शनि के साढ़े साथी और इनके कुंडली को कुछ ऐसे योग जो कि इनके रास्ते को मुश्किल बनाते हैं, तो इसीलिए इनके रास्ते में काफ़ी ज़्यादा अड़चन दिखाई देती हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें दिखाई देती हैं। अब सवाल आता है कि क्या योगी जी नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करेंगे और ये भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब मैं आपको क्लियर शब्दों में देता हूँ, बिल्कुल ओपन शब्दों में दे रहा हूँ आपका इसका जवाब। सबसे पहली चीज़, प्रधानमंत्री बनने के लिए योगी जी को ये इलेक्शन जीतना ज़रूरी है। 2022 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन अगर ये जीतते हैं तो ही इनके प्रधानमंत्री बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
प्रधानमंत्री बनने का सफर इनके लिए बहुत आसान नहीं है, बट ग्रहों की कैलकुलेशन के आधार पर इनकी केतु की महादशा खत्म हो जाएगी और शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी, और शुक्र की महादशा जब शुरू होगी तब यहाँ पर इनके ऊपर एक अलग सा प्रभाव दिखेगा जो कि राजनीति के क्षेत्र में इन्हें बहुत आगे तक ले जाने में मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आगे बीजेपी को लीड कर सकते हैं ये। ये बात ध्यान रखिएगा कि आगे बीजेपी को लीड करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, ये तो क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। बट प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय करने में इन्हें अभी कुछ साल और तय करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए 2024 तो मैं नहीं कहूँगा, बट 2024 के बाद कुछ सालों में हो सकता है कि ये प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे और भारत के प्रधानमंत्री में इनका नाम भी शुमार हो। उसके लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है और कि इनके कॉम्पिटिटर कौन हैं, इलेक्शंस कब हो रहे हैं, कौन से समय पे हो रहे हैं और कैसे कैसे चीज़ें आगे चल रही हैं। बट यस, ये ज़रूर कहूँगा दैट कि इस चार्ट में मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये चार्ट प्रधानमंत्री बनने वाली लिस्ट में शामिल हो सकता है। जी हाँ, अब तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, उनके जो कुंडली के जो चार्ट हैं उसी तरह का पावरफुल एक ये चार्ट है। बट इस चार्ट में अंदर ही अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर ध्यान से देखा जाए इस चार्ट में तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, बट क्योंकि चार्ट पावरफुल है, थोड़े से अगर इन चार्ट के उपायों को किया जाए या इस चार्ट के सही इस्तेमाल को देखा जाए तो फिर वहाँ पर राजनीति के क्षेत्र में एक लंबा करियर ज़रूर दिखाई देता है, बट संघर्ष साथ ही साथ दिखाई देगा और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। ये बहुत क्लियर है कि ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन हार्म हिज रेपुटेशन। ये अकेले ही अपनी रेपुटेशन को हार्म करेंगे और ये अकेले ही अपनी रेपुटेशन को बढ़ाएंगे। इनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, वो इनके हाथ में है कि ये क्या चाहते हैं। बट ये है कि ये चाहें तो अपनी फ़ैन फॉलोइंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली इनको फ़ायदा मिल सकता है। बट इनको क्या करना है इसके लिए, वाणी पर संयम रखना है। वाणी इनकी जो है वो इनके करियर को ख़राब भी कर सकती है और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस भी लगा सकती है, और यही चीज़ इन्हें अपने आप में संयमित रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये आने वाले समय में अच्छी चीज़ें करें और अच्छे समय को अच्छे से निकालें और अपने आप को, अपने करियर को और अपनी राजनीति को और ऊंचे लेवल पे लेके जाएं और ज़्यादा सीमाओं को ये पार करें, यही मेरी कामना है। एक और चीज़ बता देता हूँ जाने से पहले कि यहाँ पर ऐप, ये अभी जो समय निकलेगा जून जुलाई के वाला, जुलाई से लेके और अक्टूबर तक का जो समय निकलेगा, इसमें कुछ बड़े अनाउंसमेंट योगी जी की तरफ से हो सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। जी हाँ, कुछ बड़े अनाउंसमेंट स्पेशली बच्चों से रिलेटेड या फिर महिलाओं से रिलेटेड या फिर गरीब किसानों से रिलेटेड कुछ बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पर हो सकते हैं, ऐसे चांसेस क्लियरली दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से एक और चीज़ कह देता हूँ, 80,000 सब्सक्राइबर्स हमने टच कर लिए हैं और अब मात्र 20,000 सब्सक्राइबर्स बचे हैं। थोड़ी सी मदद करिए आप तो हम जल्द ही 1,00,000 सब्सक्राइबर्स को टच कर लेंगे और एक बड़ा माइलस्टोन ये चैनल आप सभी के सामने पार कर लेगा। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया आप सभी का। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।